रोके जा रहे हैं। कहाँ है? दो आदमी होके जा रहे हैं, बाइक पर रोक है, दो आदमी नहीं जाना है। क्या बाइक पर सिंगल जाना है? आज से कानून बना है, आपको नहीं पता है? ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं तो दो आदमी बैठ के जाइएगा, तो पब्लिक को कैसे रोकिएगा? पता नहीं है इसी के चलते, पुलिस को पता नहीं है, आप रोकेंगे कैसे, ड्यूटी कैसे करेंगे? दिक्कत है, लॉन्ग सा एक एक गाड़ी है तो इसलिए जा रहा है। तो देखिए पुलिस वाले हैं और खुद कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं, एक बाइक पर दो लोग सवार होकर जा रहे हैं, तो हर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है, किसी को छूट नहीं मिल रही है, और जो भी कहीं जा रहे हैं उनकी जांच पड़ताल हो रही है। देखिए साइकिल से भी घूमना मना है, जाएंगे घर में नहीं रह सकते हैं आप, जब मना है, मना है, फिर 19 दिन बढ़ गया है, इनको लगाइए पैसा, दोपहरिया में घूम रहे हैं आप, ना ना बुलाए हैं पैसा ला, सब्जी उब्जी वहीं मिल जाएगा, निकलिए मत घर से। तीन बजे बुलाए सीएनएस से, सीएनएस तो यहाँ है, इधर है, ये डायग्नोस्टिक का रिपोर्ट है मेरा, ब्लड टेस्ट का, वो ब्लड दिए है ना। आप खुद पेशेंट हैं? जी जी जी। ऑथराइज नहीं है? और ये क्या है आपके पास? ये एमआरआई करवाए थे, जांच उसका है, ये एमआरआई करवाए थे ना सर, तो हमको ब्लड के लिए ब्लड टेस्ट लिखे थे, तो उसका सैंपल आके घर से ले गए थे। अच्छा, तो आप पेशेंट हैं ना? जी जी जी। ठीक जाइए। क्या कैसे चेकिंग बहुत ज़्यादा हो बढ़ा दी गई, क्यों? ये कोरोना से देखिए सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, पुलिस वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज का हर एक व्यक्ति अवेयर हो, और ये जब तक सोशल डिस्टेंस नहीं होगा, सरकार का भी निर्देश है कि किसी भी एक अनऑथराइज पर्सन को बगैर इजाज़त नहीं जाने देने के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि समाज सुरक्षित रहे, इसके लिए जितनी सख्ती हो सके वो मानवीय तरीके से वो सख्ती हम लोग अपना रहे। कितने लोग पकड़े के जा रहे हैं? सुबह के शिफ्ट में तो 8 से 10 की संख्या में इस पोस्ट पे पकड़े गए हैं, फिर उधर भी पकड़े गए हैं, हमारे इनकम टैक्स चौराहे में 2 पोस्ट लगाए गए हैं, एक उधर है, एक इस साइड में है। तो आज से मोटरसाइकिल पर भी नहीं जाना है, निजी कार से भी नहीं घूमना है, सब्जी खरीदने भी जाना है, राशन किराशन खरीदने भी जाना है, तो पैदल जाना है? जी जी, ये बाइक का भी उपयोग एक सिंगल पर्सन ही कर सकते हैं, वो भी यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करके, अगर डबल कोई पैसेंजर जा रहा है तो हम लोग उस पर भी रोक लगा देते हैं, उनको पकड़ के जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत उनको हम भेज भी रहे हैं। जब पुलिस वाला डबल जा रहा होता? हाँ बिल्कुल, उनके साथ भी वही अपनाते हैं, फॉलो करते हैं नियम जो जनता के साथ होता है। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस दावा कर रही है कि पुलिस वाले भी अगर एक बाइक पर दो सवार होकर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन हम तस्वीर आपको लगातार पटना की दिखा रहे हैं कि एक बाइक पर दो पुलिस वाले सवार होकर घूम रहे हैं, तो भला ये दूसरे को कैसे रोक पाएंगे, कानून को कैसे इन्फोर्स कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ट्रैफिक थाने में रखे गए हैं, हम वहाँ भी जाएंगे और लेंगे उनका जायजा।